हाजरीन आदाब, एटीवी रेजुर में आप तमाम का खैर मकदम है। आज की अहम खबरों को उजागर किया। इन्होंने कहा कि हमारा वोट बहुत ही कीमती है, इससे मुल्क के इख्तदार के फैसले होते हैं। अपने वोट को हरगिज़ भी कम ना जाने और अपने वोट डालने बाहर जाते हैं तो हम शाम तक फिक्रमंद रहते हैं कि बच्चे सही सलामत लौट कर आएंगे या नहीं, और माहौल को पूरी तरीके से पुरतशद्दुद बनाया गया है। मुल्क में अमन अमान कायम करने के लिए कांग्रेस पार्टी ही ऐसा काम कर सकती है कि मुल्क में अमन व अमान कायम हो। इस मौके पर खिताब करते हुए महबूब आलम ने भी वोट डालने की तलखीन की और कहा कि हमें चाहिए कि अपने अड़ोस पड़ोस, अपने दोस्त अहबाब सभी को वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ तक ले जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट कराएं। आज हिंदुस्तान में अजीब वक्त आ पड़ा है। इस वक्त को टालने के लिए और फिरका परस्तों की हुकूमत साबिका रुकन ज़िला पंचायत बशीरुद्दीन की गुलपोशी की गई, साथ ही साथ प्रचार समिति के सदर बनने पर मौलाना फरीद खान की भी गुलपोशी की गई। साथ ही साथ साबिका वक्फ़ सदर नज़ीर अहमद पंजाबी और ऑटो यूनियन लीडर महबूब आलम की भी गुलपोशी अमल में लाई गई। ऐसे होने चाहिए जो आवाम के सदस्य पर तमाम मजाहब का एहतराम करे, तमाम लोगों की जो है रखवाली करे, तमाम लोगों की हिफाजत करे, उनके रोजी रोजगार के मसायल को हल करे। ये नहीं कि खाली भाषण दे रहे वो दे रहे, बल्कि बुनियादी जो ज़रूरतें हैं हमारी उसको पूरा करना। देखिए, नज़र उठा कर देखिए, बादशाहों के दौर में देखिए, शहनशाहों के दौर में देखिए, नवाबों के महल दौर में देखिए, राजा महाराजा के दौर में देखिए, पहला काम यह रहता था जो भी मुल्क का बादशाह नवाब रहता था। हमारे करीब में जिस रियाज शहर में हम रहते हैं वो शहर का नवाब मीर उस्मान अली खान। आपको मैं एक बात बताता चलूँ, गीदर में खैद आया, क्या भी फसल नहीं हुई, क्या भी खैद बोले तो बर्बाद कर गया, तो लोग परेशान हो गए, जाकर जो है मारूदा रखे मीर उस्मान अली खान के दरबार में गए, सरकार गीदर में जो है खैद आ गया है। तो नवाब जो है बर्जस्ता ये फरमाए मरूम मीर उस्मान अली खान, नौजवानों से और भाई शहरान रईचू के लोगों से गुजारिश है, ये फिरका परस ताकत को हम ऐसा मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि नहीं ये लोग सियासत से फिर कई साल तक दूर चले जाना, दुनिया इकट्ठा हो गया, हम वोटिंग करेंगे, वोटिंग करने के वास्ते प्रैक्टिकल होना चाहिए। यानी कि आज हम बात करें, फिर पोलिंग के दिन मैं मेरे काम को लेगा, तुम तुम्हारे काम को लेगा, मैं घर में सो गया, मैं उधर गया नहीं, अपने नौजवान बच्चों को मोहल्लों में लगा दिए, एक एक गली में दो दो चार चार बच्चों को लगाओ, ऑटो में बिठाओ, कार में बिठाओ, वोटों को निकालो, पोलिंग बूथ तक लग जाके कांग्रेस को वोट डालो बोल के उनको समझा के छोड़ कर आए तो जब ही हम कामयाब हो सकते हैं। ये सबसे बड़ा अहम काम है, यानी कि वोटिंग कराना। 80-90% वोट भी तो हम जीतेंगे यकीनन। इलेक्शन में अल्लाह के वास्ते अपने इंफिरादी पर्सनल फायदे को ना देखें, इज्तिमाई फायदे को देखें, कौम के फायदे को देखें, मुल्क के फायदे को देखें। नाराजगियों की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सर पर फिरका परस्त चढ़कर ना बैठ जाए हमारी इस नाराजगी की वजह से। किसी कई लोगों के पास धन दौलत है, सुकून से जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन वो लोग जिनका आदमी घर से निकल जब तक कमाता नहीं है तब तक उसके घर में चूल्हा नहीं सिलकता है, कम अज कम इन लोगों का भी ख्याल करें। वो लोग जो नाराज होकर अपने अपने जगह बैठे हैं उनसे अपील है, गुजारिश है, इंफिरादी इज्तिमाई फायदे को देखें, अपनी नाराजगियों को छोड़ दें, जिनसे भी जो भी बात हो सकती है वो आकर बैठ कर बात कर लें, और इस इलेक्शन को बहुत अहमियत जानकर बीवी नायक साहब को कांग्रेस पार्टी को इख्तदार में लाए ताकि फिर आने वाले एमएलए इलेक्शन में सीना ठोक के बीवी नायक साहब रायचूर कॉन्स्टिट्यूंसी से, रायचूर असेंबली से मुसलमान को टिकट दिलाने में और उसको जिताने में एक अहम किरदार अदा करें। क्यों दिए? दो बार दिए। अगर मैं इलेक्शन में नहीं ठहरता तो मेरे घर के सामने लहर के पार्टी लेके ठहरे मेरे हिंदू भाई, वहां पे कोई जात वात नहीं देखे वो लोग। क्यों? हमारा मोहब्बत ऐसा है, हिंदू मुसलमानों का मोहब्बत ऐसा है, कोई बीच का एक आके जहर डालने की कोशिश कर रहा है तो नहीं सुनते हम लोग, कोई नहीं सुनते, मुसलमान भी नहीं सुन मानेगा, हिंदू भी नहीं मानेगा। इसी तरह हम लोग करते आ रहे, खिदमत करते आ रहे हैं, हमारी खिदमत को चंद लोग समझे नहीं, हमारी खिदमत को समझे नहीं,
हमको पहचाने नहीं, खसारे में रह गए। हम तो मेहनत के लिए रेडी है, हम तो साथ देने के लिए रेडी है, हम साथ दे दे देने के लिए आए, लेकिन हमारा साथ देने के लिए रेडी नहीं, तो खसारे में रह गए, खसारे में रह गए। क्या नौबत है आज, बिल्कुल आलम भाई बता रहे थे, कोई आगे बढ़ रहा नहीं, कोई ओहदा नहीं दे रहा, बिल्कुल सही बात है। क्यों नहीं आ रहे, छोड़ो उनको, दीजिए उनको आगे छोड़ो, नौजवान बच्चे पढ़े लिखे आओ, इंशाल्लाह मैं साथ दूंगा, साथ लेके चलूंगा, हर मामले में मैं साथ लेके चलूंगा। जितने तालिबा इल्म है सभी आओ, मैं सभी तरीके से मैं ये करूंगा, बैठ के बात करो, हक पे बात करो, मेहनत करो पार्टी में, बढ़ जाए। हम लोग आज से ही, हम लोग पहले, हम खजाना ढूंढना नहीं, मेहनत करना है, मेहनत करते करते उसका फल मिलता है। आओ पढ़े लिखे नौजवान मेरे साथ आओ, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला तो है, अल्लाह ताला है हम सबके साथ, इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों के साथ दूंगा, हर मुश्किल हालात में, अच्छे हालात में भी साथ दूंगा, बुरे हालात में भी, इंशाल्लाह भाई। हर इंसान की खिदमत लेना अल्लाह ताला तय किया है। हम कभी भी मैं पना नहीं आना इंसान मैं पना, मैं का घर खाली है, मैं बोलने वाला एक ही शख्स है, वो खुदा। हम जब भी काम करते हैं, मैं आता हूं ये नहीं बोल रहा, इंशाल्लाह मैं आता हूं, मैं करता हूं, मैं हूं, मैं का घर खाली, इसके साथ इंशाल्लाह ये अल्लाह चाहे तो ही सब कुछ होता है। खिदमत लेना है अल्लाह ताला तय किया है, किसी से भी खिदमत लेना है किस्मत में तय है, किससे क्या खिदमत लेना। कई लोग क्या क्या करते, मैं एमएलए बनना, मैं मिनिस्टर बनना, क्या क्या तय करते, तो अल्लाह को मंजूर नहीं है। कामयाबी में देखो उनको शिकस्त, कामयाबी दिखा के शिकस्त दिलाता, शिकस्त में अल्लाह ताला कामयाबी दिलाता, क्योंकि अल्लाह तय करता है किसी से खिदमत लेना है कौन की, बराबर लेता है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ एमएलए के लिए, कोशिश मैं भी यही हुआ कर रहा था, अल्लाह जब एक चीज मैं बढ़ रहा हूँ, मांग रहा हूँ, इसमें खैर है तो अता कर, इसके अंदर शर है तो दूर कर, शर है तो दूर कर, इससे मेरे नुकसान है तो दूर कर, इससे फायदा है कौम का, मेरा सबका फायदा है तो उसको अता कर। मुझे नहीं मिला, मैं दोहरा कर नमाज शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला मेरे को बहुत बड़े परेशानी से मेरे को बचा लिया, मेरे को नाराज नहीं हुआ, क्योंकि मेरी दुआ की है, क्योंकि उसमें खैर है तो मेरे को। ये इंसान में आना चाहिए, हर वक्त अल्लाह की मदद लेना, इसके बजाय मैं ये नहीं, मैं नहीं। इसीलिए फरीद खान साहब को भी लोग नहीं पहचान सके, हमको भी नहीं पहचान सके, कि हर कौम में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का कर्म है, अल्लाह का फजल है, हर कौम में हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हर कौम हमारे से मोहब्बत करती है, हर कौम सुनती है, हर कौम के मैं सुनता हूँ, मैं वो कौम में मिला हूँ, वो कौम मुझसे मिल के मोहब्बत है। हम लोग ऐसे इंसानों की जरूरत में है, तो वो खसारे में रह चुका है इंसान। वक्त बहुत हो गया, इंशाल्लाह हर एक किसी का मोहताज ना बनो, आप लोग अपने अपने वोट पूरे नहीं बोला, इन्हें नहीं बोला, अपने कुछ भी नहीं करा, इंतजाम नहीं करा हमारा, मैं कैसा करूँ, रुसना इसना छोड़ दो, ये मेरा फरीदा है, ये मेरा अहम काम है, अहम किरदार है, इसको मैं किसी हाल में, हर हाल में मेरे घर के परिवार के सभी लोग देना है, वोट देना है, ये समझ के कारोबार को बंद करो, कुछ भी नहीं होगा, अपने वोट देने तक कम से कम, अपने घर के पूरे लोग वोट देने तक, और महल्ले के तुम लोग सभी इकट्ठा होकर महल्ले महल्ले में हर घर के पूरे वोट डलाओ तो बेहतर है। हालात बड़े नाजुक है, हालात के ऊपर आप लोग गौर करो, कल किसी के ऊपर हुई, आज किसी पे हुआ, कल हम पे भी आ सकती है यार, इसीलिए हम लोग
सेकुलर पार्टी के ऊपर हम वोट देने की हम लोग कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह आप अरिफ खान साहब को भी अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, क्योंकि दिल में एक दर्द है, कौम का भी दर्द है, वो लेके हम सबको लेके मेहनत कर रहे हैं और तुम भी उनको साथ दीजिए, इंशाल्लाह सब मिलकर काम करेंगे। रायचूर में बीवी नायक साहब फिर दोबारा ड्यूटी के लिए ठहरे हुए हैं। हुकूमत हिंदुस्तान में होगी, अच्छे हुकूमत हुक्मरान होंगे तो अच्छे काम होंगे, सबके लिए सामाजिक इंसाफ मिलेगा। ये आप लोग अपने जहन में बातें उतारते हुए मेरी एक नाकिस छोटी सी राय को सुनने के लिए आप जमा हुए हैं। बस इतना कह के मैं अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।